वेलकम बैक टू गाइज इन अनदर वीडियो। सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज को। तो यार हम लोग अब हर महीने जानेंगे कौन सी बाइक कितना सेल हुई है, मतलब टॉप 10 बाइकें आपको जो इंडिया में सेल होती हैं, तो उनके बारे में पूरी डिटेल पे आज बात करेंगे हम लोग। कौन फर्स्ट नंबर पर रही, कौन टेंथ नंबर पर रही और कौन कितनी बाइक बेची गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो 10th नंबर पर है हमारी अपाचे सीरीज, जिसमें यार अपाचे 162 भी और 4 भी सारी बाइकों को मिलाकर अपाचे ने टोटल सेल करी है इस बार जनवरी 2023 में 28,811। तो यार इस बार मार्केट शेयर, मतलब इसने अपनी 11% की ग्रोथ दिखाई है, क्योंकि यार पिछले साल जनवरी में इसने 25,925 गाड़ियों को बेचा था। और बात करें यार मार्केट शेयर का, तो इसमें 3.47 का मार्केट शेयर इस बार रहा है अपाचे का। और बात करें यार सेकंड नंबर पर बिकने वाली बाइक की, तो यार वो है टीवीएस की तरफ से आने वाली टीवीएस एक्सेल 100 की। तो यार जनवरी के महीने में इसने टोटल सेल्स करी है 36,723 गाड़ियों को, जनवरी के महीने में टीवीएस की एक्सेल बेची गई है। और बात करें यार ग्रोथ की, तो इसने यार 2.62% की ग्रोथ दिखाई है इस बार जनवरी के महीने में, और 2022 में जनवरी में ये बिकी थी 35,785। इतनी गाड़ियों को सेल करने के बाद इसमें यार मार्केट शेयर रहा इस बार 4.42% का। और बात करें 8वें नंबर पर हमारी बाइक है बजाज की तरफ से आने वाली प्लेटिना। आपको बजाज अपनी आरएस और जितनी महंगी महंगी बाइकें हैं उनमें भले गियर पोजिशन इंडिकेटर और एबीएस, मतलब एबीएस तो सब आने लगा है, गियर पोजिशन इंडिकेटर ना दे, मगर प्लेटिना जैसी बाइक में आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा भाई। 5th गियर मिलते हैं और एबीएस आने लगा है और गियर पोजिशन इंडिकेटर भी आता था। तो यह बात रही है प्लेटिना की। और इस बात करें सेल्स की, तो जनवरी 2023 में इसने इस बिकी हैं पूरे इंडिया में 41,873 बाइकें प्लेटिना की सेल हुई हैं। और इसमें आपको मार्केट शेयर थोड़ा सा इस बार डाउन, मार्केट शेयर रहा इसका 5.04% का, और ग्रोथ जो रही पिछले साल से 9% घट गई है यार इस बार, 9.94% सेल ग्रोथ इस बार कम हुई है प्लेटिना की। क्योंकि यार मार्केट में बहुत सारी बाइकें इस टाइम कंपटीशन में आ चुकी हैं, और पिछले साल जनवरी में इसने 46,492 गाड़ियों को बेचा था, इस बार 4,619 गाड़ियाँ कम बिकी हैं प्लेटिना की। अगर बात करते हैं 7वें नंबर की बाइक के बारे में, दरअसल ये बाइक नहीं है, ये एक स्कूटी है। तो बहुत ही कम स्कूटी होती हैं जो अपनी जगह बना पाती हैं टॉप। तो इस बार 7 नंबर पर आई है सुजुकी की एक्सेस 125। ये एक सुजुकी का ऐसा प्रोडक्ट है सक्सेसफुल रहा है, जो कि यार काफ़ी अच्छा मार्केट में सेल होता है स्कूटर। तो अगर बात करें सेल्स फिगर की, तो जनवरी 2023 में 45,497 गाड़ियों को सुजुकी एक्सेस बिकी है। और बात करें यार मार्केट शेयर की, तो इसने इस बार 5.47 का मार्केट शेयर रहा है, और ग्रोथ इसमें 7.9% की दिखाई है। तो इसमें जो जनवरी में सेल हुई थी 2022 में, तो वो थी 42,148 गाड़ियाँ, और इस बार डिफरेंस रहा है बिल्कुल सिर्फ 3,000 गाड़ियों का लगभग। और बात करते हैं यार 6th नंबर की बाइक के बारे में, तो यार ये हीरो की तरफ से आने वाली HF डीलक्स, जिसका जो कि यार मतलब हीरो की तरफ से आने वाली उन चुनिंदा बाइकों में ऐसे है जो जब से लॉन्च हुई है तब से अभी तक सेल होती चली आ रही हैं। जैसे कि हीरो की आने वाली एक्सट्रीम, मतलब इनकी हायर सीसी की बाइक इतना सेल नहीं होती हैं जितना कि लोअर सेगमेंट की बाइकें सेल होती हैं। जैसे एक्सट्रीम 160 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, करिश्मा ले लीजिए, वो सब गाड़ियाँ नहीं बिकती हैं, मगर HF डीलक्स और स्प्लेंडर जैसी बाइकें टॉप 10 की लिस्ट में हमेशा शामिल रहती हैं। टॉप 10 की क्या मतलब, फर्स्ट तक भी आ जाती हैं कुछ बाइकें तो हीरो की। तो मतलब इन्होंने मास मार्केट ज़्यादा कैप्चर करके रखते हैं, मतलब हायर सीसी नहीं, मतलब छोटी मोटी गाड़ियाँ बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमा लें, मतलब बड़ी बाइकों के ना बेच कर। तो बात करें HF डीलक्स की, 47,840 गाड़ियाँ बेची और मार्केट शेयर रहा इसी इन्हीं के साथ में 5.76% का, और ग्रोथ इस बार -44% गिर गई है, क्योंकि जनवरी में यार बिकी थी 85,926 गाड़ियाँ जनवरी 2022 में। तो यार और बात करें फिर से एक स्कूटर की, तो 5वें नंबर पर हमारे पास है जुपिटर। टीवीएस की तरफ से आने वाला जुपिटर काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट रहा है टीवीएस के लिए, जिसने जनवरी में 54,848 गाड़ियाँ जुपिटर बिकी हैं जनवरी 2023 में। और बात करें यार जनवरी 2022 में कितनी बिकी थी, तो 43,476 गाड़ियाँ अगली साल बेची गई थी जुपिटर की, और डिफरेंस रहा 11,800 गाड़ियों का, और ग्रोथ दिखाई इस बार इसने 25.3
32% की, इसी के साथ में इतनी सेल में इसका शेयर मार्केट शेयर रहा है 6.55% का। तो यह जुपिटर काफ़ी अच्छा स्कूटर रहा TVS के लिए। और बात करते हैं फोर्थ नंबर पर आने वाली बाइक की, तो यार ये एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजाज की पल्सर सीरीज़। तो यार पल्सर की सारी बाइकें, मतलब N160, NSRS जो भी हैं पल्सर की, बहुत सारी बाइकें हैं 125 से लेकर इसमें आपको 200 cc, 200-250 cc तक पल्सर देखने के लिए मिल जाती हैं। तो जनवरी में टोटल कुल सेल रही सारी बाइकों की 84,269 गाड़ियाँ, और जनवरी 2022 में इन्होंने सेल करी थी 66,839 गाड़ियाँ। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहा है पल्सर के लिए, तो इस बार डिफरेंस रहा वो 17,444 गाड़ियों का रहा। तो इसी के साथ इसने ग्रोथ दिखाई है नेक्स्ट ईयर के मुकाबले 26.09% की, और इस बार मार्केट शेयर रहा है इस कम बजाज पल्सर का 10.14% का इस बार मार्केट शेयर रहा है। तो इसी के साथ बात करते हैं यार अपने लिस्ट को ऊपर जाते हुए, थर्ड नंबर पर आई है हमारी सबकी प्यारी होंडा CB साइन, जिसका इंजन काफ़ी रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको मतलब बहुत ही साइलेंट बाइक रहती है ये, और काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। तो बात करें जनवरी में बिकने वाली गाड़ियों CB साइन की, तो 99,878 गाड़ियाँ इस बार जनवरी 2023 में बिकी थी, और वहीं पर जनवरी 2022 में 1,05,169 गाड़ियों को बेचा गया था होंडा की साइन, और इस बार डिफरेंस रहा 5,000 गाड़ियों का लगभग रहा है। तो छोटा मोटा मार्जिन अप एंड डाउन होते रहते हैं इन बाइकों के लिए, कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी के साथ यार इस बार जो ग्रोथ हुई है -5% की इस बार रही है, और मार्केट शेयर 12.02% का इस बार होंडा साइन का रहा है। और सेकंड नंबर पर जानी मानी हमारी होंडा एक्टिवा रही है। तो यार इस बात करें इसके सेल्स की, तो यार इसने 1,30,001 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में होंडा एक्टिवा की स्कूटी इतनी सेल हुई है। मतलब होंडा की यार क्या ही कहने, होंडा अपनी बड़ी बाइकों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। मतलब कि ये अपनी होंडा एक्टिवा की सीरीज़ बढ़ाने में लगे हैं 5G, 6G, 7G, मगर होंडा की बड़ी बाइकें जो अभी तक इंडोनेशियन मार्केट में लॉन्च हुई हैं वो अभी तक इंडियन मार्केट में नहीं आई, जैसे कि होंडा 150, CBR 150 और CBR 250 अभी तक इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हुई हैं। होंडा से अपनी एक्टिवा सीरीज़ में ही मन लगाए हुए भाई, क्यों ना लगाए इतनी स्कूटी सेल हो रही है आखिर। और बात करें जनवरी 2022 में इसने बेची थी एक्टिवा बिकी थी 1,43,234 गाड़ियाँ, तो इस बार माइनस क्या 13,000 कम गाड़ियाँ बिकी हैं इस बार, और -9.24% की ग्रोथ हुई है इस बार कंपनी की। और जनवरी में इसका मार्केट शेयर रहा है 15.64% का मार्केट शेयर रहा है। और यार बात करें नंबर वन बाइक जो सेल हुई है इस बार, मतलब फर्स्ट नंबर पर हमारी बाइक है हीरो स्प्लेंडर। तो हीरो स्प्लेंडर के क्या ही कहने हैं, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इस हीरो स्प्लेंडर कितनी ज़्यादा बिकी है। तो यार मतलब आप गेस करिए मतलब कितनी बिकी होगी, जब एक्टिवा 1,30,000 बिक रही है, और मतलब ये 1,00,000 नहीं बिकी है, 2,00,000 से भी ज़्यादा, मतलब 2,50,000 के भी ऊपर बिकी है। तो स्प्लेंडर की टोटल सेल्स रही है इस बार 261,800। तो नीचे या डिस्क्रिप्शन से जाकर लिंक से आप कोई भी एक्सेसरीज बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, राइड हार्ड।